तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज मेरा खुद जो पर्सनल इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, और आज आपको मैं लाइव ठीक करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वॉच करना, क्योंकि फ्रेंड जैसे मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है, आज मैं आपको लाइव अपना इंस्टाग्राम का जो कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट है उसे ठीक करके दिखाने वाला हूँ। बस रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वॉच कर लेना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो फ्रेंड इस पर आपको 110% सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड ये है मेरा वो आई एम गौरव ठाकुर, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, क्योंकि मेरे दो अकाउंट है फ्रेंड। एक मेरा ये वाला अकाउंट है जिसमें मेरा आई गौरव ठाकुर 0001 है, इस पर 839 के करीब फॉलोअर्स हैं, और एक है फ्रेंड मेरा आई एम गौरव ठाकुर। तो फ्रेंड ये दोनों अकाउंट है मेरे, इसके अलावा मेरा कोई अकाउंट नहीं है। और एक था वो चैनल के नाम से था, वो कभी एक बार मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन जो भी मेरे डायरेक्ट मैसेज वगैरह होते हैं इन दोनों अकाउंट्स पर ही आते हैं। आप मुझे इन दोनों में से किसी भी अकाउंट पर फॉलो कर लीजिए, मैं आपको वहाँ से आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करना है। तो अब आपको इस वीडियो से कुछ ज़्यादा समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड आप देख लीजिए, ये मेरा वो अकाउंट है जो मेरा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, और आपको भी यही वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी जैसे इस अकाउंट पर आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा रिफ्रेश होता होगा, कुड़नॉट रिफ्रेश फीड लिखा आता होगा, और उसके बाद यूअर अकाउंट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड आपको शो होता है। और अगर आप चेंज पासवर्ड पर भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड कन्फर्म न्यू पासवर्ड भी करते हैं तो भी यहाँ पर जो हमारी आईडी है वो लॉगिन नहीं हो रही है। मैं एक बार आप ट्राई करके देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपना जो ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दिया है, और मैं यहाँ पर इसे लॉगिन करता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि गेट स्टार्टेड ऐप, तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अभी देखते हैं कि मेरा अकाउंट ठीक हो गया नहीं, क्योंकि फ्रेंड मेरा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया था, और उसके बाद मैंने देखा कि आपके सामने ही इसे ठीक किया जाए, मैंने इससे पहले से ठीक नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट ठीक नहीं हुआ है, यू हैव बीन लॉग्ड आउट यहाँ पर लिखा आ रहा है, और मैंने जो अपना ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर फिल करके न्यू पासवर्ड जो फिल किया है, अब मैं आपको उस तरीके से इसे ठीक करके देखने वाला हूँ कि मैंने जो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर फिल करके न्यू पासवर्ड जो फिल किया है उससे मेरा अकाउंट ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाला जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड फिल करने से ही जो ठीक हो गया है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका दूसरा तरीका कि कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड फिल करने के बाद भी हमारा अकाउंट जो है ठीक नहीं होता है, और कुड नॉट रिफ्रेश फीड अगर योर अकाउंट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड ही दिखाई देता है। तो अब दूसरा तरीका क्या है इस अकाउंट को ठीक करने का, अब आप उस तरीके को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपका न्यू पासवर्ड और ओल्ड पासवर्ड फिल करने से आपका अकाउंट ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से जो मेरे पास कमेंट आते हैं और डायरेक्ट मैसेज आते हैं वो यही आते हैं कि जो मैंने ओल्ड पासवर्ड फिल किया है और न्यू पासवर्ड फिल किया लेकिन फिर भी मेरा अकाउंट ठीक नहीं हुआ है। और मैंने इस वीडियो में सबसे पहले यही कहा था कि आपसे भी कि मैं ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड फिल करता हूं तो नहीं होगा, लेकिन मैंने ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड फिल किया तो मेरा हो गया है। लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप सुन लीजिए अब आपको क्या करना है। तो फ्रेंड एक अकाउंट मान लीजिए इस वाले इंस्टाग्राम में मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इस वाले अकाउंट में मेरे जो अकाउंट है वो चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जिस वाले इंस्टाग्राम में आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर ड्यूल सिस्टम किया हुआ है और मेरे पास इस टाइम दो इंस्टाग्राम है। अगर आपके पास दो मोबाइल फ़ोन है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप भी एक मोबाइल फ़ोन में ही दो इंस्टाग्राम आप ड्यूल करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो ध्यान से समझ लीजिए। तो फ्रेंड मान लीजिए मेरे इस अकाउंट में मेरा कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इसमें मान लीजिए मेरा ये वाला अकाउंट मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज्ड है इस वाले इंस्टाग्राम में और इसमें सही चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो ये जिसमें आपके अकाउंट लॉग इन हो रहे हैं दूसरे वाले, आपको उसमें से आपको करना है लॉग आउट, ठीक है। और लॉग आउट करने के बाद आपको क्या करना है, स्विच अकाउंट पर क्लिक करके फॉरगॉट योर लॉगिन डिटेल्स पर जाना है, और यहाँ पर अपना यूज़र नेम फिल करना है। यूज़र नेम कैसे फिल करना है फ्रेंड, आपका जो ये अकाउंट होता है उसका जो ऊपर वाला होता है आई एम गौरव ठाकुर, जैसे मेरा ये है, ये यूज़र नेम होता है, जो हमारा नीचे दिया होता है वो यूज़र नेम नहीं होता है। जो आपका यूज़र नेम होगा फ्रेंड आपको ये कॉपी करना है और एज इट इज़ कॉपी करना है, अगर आपके स्लैश है डॉट है जो भी है यूज़र नेम के बीच में वो आपको एज इट इज़ यहाँ पर फिल करना है। तो मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ। तो मेरी ये आई डी थी आई एम गौरव ठाकुर, ठीक है। तो और आपको ऐसे फिल करना है, और अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो फ्रेंड आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि सेंड एन एसएमएस, सेंड एन ईमेल या लॉग इन विद फेसबुक, आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे। और आप जिस पर भी क्लिक करोगे फ्रेंड आपके पास एक रीसेट पासवर्ड करने का लिंक आएगा, आप उस लिंक को ओपन करना और उसमें आपको न्यू पासवर्ड फिल करना है और न्यू पासवर्ड अगेन फिल करना है, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो ठीक हो जाएगा। और एक दिक्कत क्या आती है कि किसी का इसका मोबाइल नंबर से लिंक होता है, तो फ्रेंड आपको मोबाइल नंबर कैसे फिल करना है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो मान लीजिए मेरा ये मोबाइल नंबर है, मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा ये मोबाइल नंबर है
और मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ तो फ्रेंड आपको क्या है कि नो यूज़र फाउंड देखने को मिलता है। तो इस यहाँ पर आप क्या मिस्टेक करते हो, छोटी सी मिस्टेक करते हो, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं करते हो, ध्यान से समझ लीजिए। तो आप मिस्टेक क्या करते हो कि आप यहाँ पर +91 अपना कंट्री कोड नहीं लगाते हो। आप जैसे ही +91 यहाँ पर लगाओगे तो आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपका जो भी अकाउंट होगा उस नंबर पर वो यहाँ पर आ जाएगा और आपका लॉगिन कोड भी जो है उस नंबर पर ही सेंड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके किसी भी मोबाइल नंबर पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है तो आपको क्या करना है कि +91 आगे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपका यहाँ पर नो यूज़र फाउंड ही शो होगा। और आपको मैंने इस वीडियो में तीन तरीके बता दिए हैं कि एक तो आपको ओल्ड पासवर्ड फिल करना है, उसके बाद न्यू पासवर्ड फिल करने के बाद आपको चेंज पासवर्ड कर लेना है, और अगर उससे नहीं होता है तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है कि यहाँ पर आकर आपको फॉरगॉट योर लॉगिन डिटेल्स पर आकर आपको अपनी यहाँ पर मेल आईडी भर दीजिए, और अगर मोबाइल नंबर भरते हो तो उसके सामने +91 लगाना जरूरी है। और अगर आपका यूज़र नेम फिल करना है तो यूज़र नेम आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वो होना चाहिए जो ऊपर होता है, उसके बीच में स्लैश है तो स्लैश है, अदरवाइज आपको क्या करना है कि कॉपी लिंक यहाँ पर जाकर किसी उस आईडी का कॉपी लिंक कर लेना है। मान लीजिए मैं आपको कॉपी लिंक करके दिखाता हूँ, एक मिनट, आई गौरव ठाकुर इसका ही कर लेता हूँ मैं, और मैंने इसका करा कॉपी प्रोफाइल लिंक, ठीक है। और आपको जाना है यहाँ पर, अगर आप लिंक से भी करना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, ये वो भी होगा उसके पीछे से आपको क्वेश्चन मार्क के पीछे से और फ्रेंड इस स्लैश के आगे से आपको सब कुछ यहाँ पर कट कर देना है, और जो आपको बचेगा वो आपका यूज़र नेम होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको चार तरीके बताए हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट को ठीक कर सकते हो, और आपको कौन सा तरीका आसान लगा है और कौन सा तरीका सबसे बढ़िया लगा है और किस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। फ्रेंड क्या कर रहे हो आप, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ऐसी ही प्रोफेशनल सोल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ भी आपको मतलब कि अंधेरे में नहीं रखा जाता है, जो होगा आपके सामने होगा, क्योंकि मैंने पहले ये कहा था कि मैं देखता हूँ कि मेरा इससे ठीक होता है या नहीं होता, क्योंकि मैंने ट्राई ही नहीं किया था। मेरा जैसे भी अकाउंट कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ तो मैंने इसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये सब आपके सामने ही हो, जिस भी तरीके से ठीक होगा उस तरीके से मैं आपको दिखा दूंगा। तो मेरा क्या था कि ओल्ड पासवर्ड फिल किया, न्यू पासवर्ड फिल किया और न्यू पासवर्ड अगेन फिल किया तो मेरा अकाउंट ठीक हो गया, लेकिन किसी का ठीक नहीं हो रहा था ऐसे करने से, तो उसके लिए मैंने इसी वीडियो में एक अलग से सोल्यूशन बता दिया है। आप उस सोल्यूशन को ट्राई करिए और आपका अकाउंट 110% सॉल्व हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे या आई गौरव ठाकुर 0001 पर या आई एम गौरव ठाकुर पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और उसका सोल्यूशन भी आपको करके दे दूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।